हम लोग पर आ चुके हैं। अच्छा खोला दरवाजा। चांदी की अक्षा किधर किधर है चांद? देखो मैं भी इधर चढ़ जाती हूँ पत्थर के ऊपर। देख है चांदी नहीं आया। तुमने किससे सुन लिया कि रोजा है कल? वो भी दो देखे वहाँ बाहर में बर्फ जमी है। आज बहुत तेज बारिश हुई थी, बिजली चमकी थी आज। पर चांद किधर है? रुक जाओ मैं दूर से देखूं, इस दीवार के पीछे तो नहीं है। जूम करके देखती हूँ मैं, हमें तो चांद नजर ही नहीं आया। चांद है किधर? अक्सर मुझे लगता है गलत सुन लिया है शायद से, कल रोजा नहीं है शायद से, पता नहीं। अब मेरे को सही से नहीं पता क्योंकि यहाँ फायरिंग भी नहीं हुई। अगर रमजान होती तो इधर फायरिंग होती ही होती, मगर अभी तक तो ही नहीं है। वो देखेंगे अभी हम लोग, देखेंगे थोड़ी देर बाद आकर कि कब चांद दिखेगा। चांद तो दिखा ही नहीं है। अब चलो निराश होके नीचे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग भी ठीक होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। यहाँ अक्सर अभी सो के उठी है सुबह सुबह, और कभी मेरी नहीं बनाओ वीडियो, रो रही है वो। और सुबह सुबह इतनी तेज़ बादल गरजे कि बारिश हो रही है हमारे यहाँ कोटा में। देखिए ऐसे तेज़ बादल गरज रहे, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा बाहर का, क्योंकि ये बंद घर है, ढका हुआ है घर, इसलिए नज़र नहीं आती। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का थोड़ा सा। कल भी हो रही थी, परसों भी हो रही थी, रोज़ बारिश हो रही है। और ये देखें कितनी तेज़ बारिश हो रही है, और कितना सुबह का टाइम है अभी 9 बजे का, इतना तेज़ बारिश है, बादल इतने तेज़ गरजे, आपको नज़र आ रहा हो पता नहीं आ रहा हो कैमरे में, बहुत तेज़ हो रही है। पानी भी दिखा रहा है कितनी ज़ोर से बिजली वो बजी गिरी है, बिजली कहीं कितनी ज़ोर से बिजली गिर रही है। देखिए इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है, बिजली भी बहुत तेज़ वो गिर रही है। और सर्दी फिर बढ़ जाएगी, कम होती है सर्दी फिर बढ़ जाती है, सर्दी कम होती है फिर बढ़। अंग्रेजों वाली गाड़ी भी देखो, देखो अंग्रेजों वाली गाड़ी जा रही, सारा सामान लेके चलते हो अपना, टेंट भी खाने का सामान चूल्हा। अभी हम लोग बाहर निकले, बारिश इतनी हुई है, देखे पानी कितना जमा हो गया रोडों पे। पुल में पुल से गाड़ी आ रही है, चिकन आलू बना रही हो? मम्मी से मां पापी से मां पापी
हाँ रुको रुको, मुझे मम्मा से एक बात करनी है। मम्मा वो तो फेरी के भी काम आ जाएगा। मम्मा कल फेरी है या नहीं है रात को? छत पे देख रहा हूँ। चांदी का रमजान है। कैसे पता चला? बाहर लोग कहते हुए जा रहे थे, चांद दिख गया है, सो जा पता चल गया। अच्छा फिर चलो हम भी चांद देख कर आते हैं छत से। मैं हम लोग छत पर आ चुके हैं। अच्छा खोलो दरवाजा। चांद दिख गया अक्सा? इधर किधर है चांद? देखा मैं भी इधर चढ़ जाती हूँ पत्थर के ऊपर। देख है चांद नहीं आया। तुमने किससे सुन लिया कि रोजा है कल? वो भी दो दाने। फ्रेंड्स वहाँ देखे वहाँ बाहर में बर्फ जमी है। आज बहुत तेज बारिश हुई थी, बिजली चमकी थी आज है। पर चांद किधर है? रुक जाओ मैं दूर से देखूं, इस दीवार के पीछे तो नहीं है। जूम करके देखती हूँ मैं। हमें तो चांद नजर ही नहीं आया। चांद है किधर? अक्सर है मुझे लगता है गलत सुन लिया है शायद से, कल रोजा नहीं है शायद से। पता नहीं, अब मेरे को सही से नहीं पता क्योंकि यहाँ फायरिंग भी नहीं हुई। अगर रमज़ान होती तो इधर फायरिंग होती ही होती, मगर अभी तक तो ही नहीं है। वो देखेंगे अभी हम लोग, देखेंगे थोड़ी देर बात आकर कि कब चांद दिखेगा। चांद तो दिखा ही नहीं है। अब चलो निराश होके नीचे। रमजान का चांद नजर आ गया। मम्मा इधर शेरी बना रही है क्योंकि कल रात ये रमजान का चांद नजर आ गया था। तो आप सबको रमजान मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने ब्लॉग मुकम्मल नहीं किया था क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि रमजान का चांद नजर आया या नहीं आया। तो रमजान का चांद नजर आ गया, आप सबको रमजान मुबारक है और पहली शेरी मुबारक। अभी मैं शेरी बना रही हूँ, 3:30 बज रहे, मैं उड़ गई थी तो शेरी बना रही, रोटियां बना रही। एक तो पराठे बनाऊंगी, फिर सालन भी मैंने गर्म कर लिया। तो आज आप सबको शेरी मुबारक आज की। कैसे बनाया शेरी में? मैंने आज अचार गोश्त बनाया है, चिकन अचार बनाया है और ये मछली फ्राई कर रही मैं। रखी थी थोड़ी सी तो मैंने कहा फ्राई कर लेती हूँ, बारिश हो रही है तो दिल चाह रहा था इसका। थोड़ा एक तरफ चिप्स बन रही है, चिप्स बनेगी। आज की इफ्तारी हमने तैयार कर ली है और रोज़ा खोलने में 5 मिनट रह, रोज़ा खोलने में 5 मिनट रह रहा है। ये देखिए आज हमने अचार गोश्त बनाया, मछली ऑरेंज है, चिप्स है आलू की और शरबत बना हुआ है और रोटियाँ है। बस हमें रोज़े के टाइम रोटी सालन ज़रूर चाहिए, हमें पकौड़े वकौड़े कुछ भी चाहिए। हम पकौड़े खाते भी नहीं इतने, कभी कभी बना लेते। आज हमने चिप्स बनाई है तो फिर कभी पकौड़े तैयार कर लेंगे। जैसे वहाँ बैठी हुई हमारा पेट भर जाता है। और ये अक्सा बैठी हुई है। अक्सा रोज़ा लग रहा है? नहीं नहीं ना। आज अक्सा और सिमा ने पहला रोज़ा रखा है। अल्लाह ने इनका रोज़ा खैर से गुजारा है, हम सबका रोज़ा है आज। दुआ करो बेटा अक्सा, बस होने वाले हैं। क्या हुआ आपके होड़ सूख रहे? अच्छा बस अभी वो अजान होने वाली है, अजान हो जाएगी तो रोज़ा इफ्तार करके। खजूर रखी आपने अपने हाथ पे? नहीं। खजूर उठाओ अपनी, ताकि ना ये लो इसकी गुठली निकालो जब तक। और बाहर बहुत तेज की बारिश हो रही है। अब बारिश भी हो रही है यार, कोयटा में बारिश भी हो रही है, इतनी तेज हो रही है। रमजान में बारिश, सर्दी, शेरी में उठना, फिर बस बारिश है तो लगातार हो रही है। चलो बेटा अजानें शुरू हो गई, अजान हो रही है, अजान की आवाज़ आ गई। चलो पढ़ो, नियत करो,
अल्लाह मैनी लकसम तो वबे का मन तो वाला तवल कर तो वाला रिस्के का अफ्तार तो चलो शुरू करो। या अक्सर लेट भी है, हमने रोज़ा खोल लिया था, थक गई वो पूरा दिन उसने रोज़ा रखा तो थक गई। आज रोज़ का रोज़ा था। बस अक्सर वो ब्लॉग का एंड करो, इस ब्लॉग को यहीं से एंड करते हैं। मिलेगी आपको नए ब्लॉग में। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो इस ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट्स करें, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें और शेयर करें। सिम आप सो गई है, फिर शेरी में उठना है इसलिए जल्दी बस सो गई। उसको नींद आ रही थी, रात में 3 बजे की उठी हुई थी। चले अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।